पश्चिमी विक्षोभ के चलते सर्दी में भारी बढ़ोतरी हुई है। रविवार को सुबह से आसमान बादलों व ओस की आगोश में समाया रहा। बादलों व ओस का सिलसिला पूरा दिन जारी रहने से सर्दी में भारी बढ़ोतरी हुई है। थारवासी कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कई जतन करते नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में तापमान में कमी के साथ सर्दी बढ़ने की चेतावनी दी है। अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत के साथ ही तेज सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में रविवार को मावट के साथ कोहरा भी छाया रहा। बाड़मेर जिले में भी कम कंपाने वाली सर्दी का दौर जारी है। बाड़मेर में रविवार सुबह आसपास की पहाड़ियां कोहरे की ओट में छिपती नजर आई। इसके साथ ही बाड़मेर शहर समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में सर्दी ने अपने तल्ख तेवर दिखाए। बढ़ती ठंड के साथ सूर्यदेव भी बादलों की ओट में छिपे रहे, जिससे ठंडी हवाओं ने रविवार को आमजन को छकझोर रखा। तेज सर्दी से जहां शहर में आवाजाही करने वाले दुपहिया वाहनों की संख्या में कमी नजर आई, वहीं बाजारों में भी रौनक गायब नजर आई। पिछले हफ्ते भर से लगातार चल रही सर्द हवाओं से जहां लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, वहीं सुबह जल्दी खुलने वाले बाड़मेर के बाजार भी अत्यधिक सर्दी के कारण देरी से खुलने लगे हैं। इसके साथ ही सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने के साथ धूप लेते हुए भी देखे जा सकते हैं। बढ़ती शीतलहर से शाम होते होते शहर की सड़कें सूनी नजर आ रही है। मौसम विभाग ने भी आगामी 10 जनवरी तक सर्दी के तेवर तेज रहने के संकेत दिए हैं। हालांकि रात के तापमान में 1-2 डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन दिन का पारा गिरने से सर्दी में राहत की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते सर्दी बढ़ने का अलर्ट जारी किया है।